बड़ी गलती कर दी। नंदनी के गर्भवती होने की खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर फैल गई, किंतु नंदनी के चेहरे पर खुशी कम और चिंता की लकीरें ज्यादा दिखाई दे रही थी। श्यामा नंदनी की दोस्त भी उस समय नंदनी से मिलने आई थी। गर्भवती होने की बात सुनते ही श्यामा भी खुशी से झूम उठी और नंदनी को गले लगा लिया। पर कुछ ही पल में श्यामा ने महसूस किया कि नंदनी खुश नहीं है। क्या हुआ नंदनी, तुम क्यों उदास हो? इतनी खुशी की खबर है, क्या तुम्हारी इच्छा अभी गर्भ धारण करने की नहीं थी? यह सब यूं ही क्या बिना योजना के ही हो गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं श्यामा, सब कुछ योजना से ही हुआ था, पर मुझे डर है कि कहीं लड़की ना हो जाए। कैसी बात कर रही हो नंदनी, आज के जमाने में तुम ऐसी विचारधाराएं रखती हो? श्यामा की बात खत्म होने से पहले ही नंदनी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कर दिया। नहीं श्यामा, मैं बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बेटी है ना, किंतु आज हमारा समाज खुकार बेड़ियों का जंगल बन चुका है, जहाँ बेटी जन्म लेती है एक डर भी जन्म लेता है, जो हर पल हमारे सीने में सांस की लय के साथ चलता रहता है। बेटी घर से बाहर गई तो सही सलामत वापस आएगी या नहीं, कोई कह नहीं सकता। हम अपनी बेटियों को जूडो कराटे सिखाते हैं, तो क्या चार पांच गुंडों से क्या वह अकेले जीत पाएगी? बस इसलिए डरती हूँ कि भगवान कृपया बेटी मत देना। और आप देखते ही देखते 2 महीने बीत गए और भगवान ने चांदनी की विनती का भी मान रख लिया और नंदनी ने एक सुंदर सा बेटे को जन्म दिया। अब वह और खुश थी, आलिशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, धन्य धन से भरपूर परिवार था। नंदनी के घर में चारों तरफ सुख ही सुख, खुशी ही खुशी बिखरी पड़ी थी। ठाट बाट से पल रहा था नंदनी का बेटा रोहन। वक्त बिताते भला वक्त कहाँ लगता है, रोहन को 5 वर्ष हो गए, अब वह स्कूल जाने लगा। स्कूल में भी वह सबका प्यारा था। रोज दोपहर को नंदनी बस का इंतजार करती, नीचे खड़ी रहती और रोहन के आते ही उसे गोद में उठाकर उसकी प्यारी प्यारी बातें। चाहे इसके लिए जन्म जन्मांतरों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। आशा है ये आपको बात पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोशिश असफल रही थी, पुलिस भी जान लगाकर कोशिश कर रही थी, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा था। परिवार के सदस्य अनिष्ट की आशंका से कांप रहे थे, मन में तरह तरह के डरावने ख्याल मंडरा रहे थे। 2 दिन के उपरांत पुलिस को रोहन की लाश विकृत अवस्था में मिली, जिसे नंदनी के घर ले आए और परिवार को सौंप दिया। रोहन के शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे, उसका शरीर निर्वस्त था। मासूम नन्ना रोहन किसी हैवानियत का शिकार हो चुका था। नन्ही सी समझ उम्र में वह दुनिया का घिनौना दरिद्रगी भरा चाहे इसके लिए जन्म जन्मांतरों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। आशा है ये आपको बात पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वह स्वयं भी ये दृश्य देखकर कांप रही थी। श्यामा के गले लगते ही नंदनी भी फूट फूट कर रो पड़ी और उससे कहने लगी, श्यामा मैंने गलती कर दी, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि मुझे निसंतान ही रखना, मुझे
पता नहीं था कि इस समाज में चाहे इसके लिए जन जन्मांतरों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। आशा है ये आपको बात पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।